गुड आफ्टरनून। आज हम लोग जो चैप्टर ले रहे हैं वो क्लास 7 का चैप्टर 2 है, लिटरेचर बुक का। एंड चैप्टर का नेम है द मैजिक बॉन बॉन्स। तो इसको चैप्टर को हम लोग पहले रीड आउट कर चुके हैं, इसको हमने देखा था पहले वीडियो में। तो चैप्टर में होता क्या है, बेसिकली एक लेडी जो होती है अपनी प्रॉब्लम लेके केमिस्ट के पास जाती है कि मेरे पास कुछ स्किल्स नहीं है, तो वो उसको 5 बॉन बॉन्स देता है जिससे पर्सन की स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, लाइक डांसिंग, सिंगिंग और भी दूसरी स्किल्स जो लाइक स्पीकिंग है, ये सब स्किल बहुत इंप्रूव हो जाती है। तो 5 कलर के वो बॉन बॉन्स देता है। तो उसके ऊपर में पूरा टॉपिक है कि कैसे कैसे कॉमेडी इसमें होती है। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। पहले सेक्शन ए के है, डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट टुक प्लेस एट द बॉस्टविक रेसिडेंस आफ्टर बेसी ब्रॉट होम द बॉक्स ऑफ बॉन बॉन्स। बेसी जो गर्ल जो होती है जो बॉक्स ऑफ बॉन बॉन जो घर लेके आती है, तो क्या क्या इवेंट होती है। तो बॉक्स लेके आती है, वहाँ पहले रख देती है, वहाँ पे एक डिश में लेके रख देती, पहले उसके फादर आके खाते हैं, देन बाकी जो प्रोफेसर आता है वो खा लेता है, एंड देन एक सीनेटर आता है, सीनेटर पॉकेट में रख कर ले जाता है, एंड बेसी खुद भी एक खा लेती है, और इस तरह से उसमें सारे इवेंट्स होते हैं। तो क्या क्या इसका आंसर ऐसा बनता है कि द बेसी डम द बॉन बॉन्स इन डिश ऑन द टेबल एंड एट द चॉकलेट पीस। तो चॉकलेट कलर का पीस वो बेसी खा लेती है, उससे क्या होता है। देन शी हैज़ डिज़ायर टू प्ले द पियानो, ओके, शी प्लेड इट वेरी ब्रिलियंटली। हर फादर मिस्टर बॉस्टविक केम एंड फ्रॉम आउटसाइड एंड सीन हिज डॉटर परफॉर्मेंस ग्लैडली। ही फेल्ट हंग्री एंड एट पिंक पीस वाला खा लेते हैं। देन ही बिगेन टू सिंग इन ए श्रिल ट्रम्पलो सोप्रानो वॉइस। इट वॉज नॉट द सेम सॉन्ग बेसी वॉज प्लेइंग, ओके। तो चॉकलेट पीस और वाइट पीस जो होता है, सॉरी पिंक पीस जो होता है, ये दोनों खा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, प्रोफेसर जो आते हैं, प्रोफेसर एट लेमन येलो पीस एंड सीनेटर टुक द लेवेंडर पीस, और अपना अपनी पॉकेट में रख लेते हैं, वो खाते नहीं हैं। और उसकी मिसेस जो बॉस्टविक की मिसेस होती है, वो टुक द रिमेनिंग पीस दैट वाज वाइट वन। एंड ड्यूरिंग द डिनर द प्रोफेसर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लेमन येलो बॉनबॉन किक द सूप प्लेट विच मेड वाज कैरिंग। तो सब लोग उसके इन्फ्लुएंस में आ चुके थे, एंड इस तरह से सब कुछ चल रहा था वहाँ पे। ये सब इवेंट्स जो हुए थे वो उसमें उनके घर में होने लगे थे। इसी का सेक्शन ए का पार्ट टू है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द सीनेटर दैट डन दैट मेड द पीपल से दैट अनदर गुड मैन हैड गॉन रॉन्ग। तो सीनेटर जब वहाँ पे हॉल में गया था, उसको पॉलिटिकल मीटिंग हो रही थी वहाँ पे, उसको वहाँ बैठा ही था कि मे बी उसको स्पीच भी देनी थी वहाँ पे, तो वहाँ पे बैठा था कि उसने उसका पॉकेट में हाथ गया और उसने देखा कि उसका एक जो बॉन बॉन का पीस था वो रखा हुआ है। तो उसने सोचा कि मेरा थ्रॉट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो द सीनेटर एट द लेवेंडर कलर्ड बॉन बॉन और अंडर द इन्फ्लुएंस जो उसका हुआ, तो उसको डांसिंग करने लगा लाइक ए बैलेट डांसर इन द पॉलिटिकल मीटिंग एट द फैनुअल हॉल। तो इस तरह से वहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अब पार्ट बी आता है, आंसर विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ओके। इट्स नाइदर नीदर एनी आई आएगा, आई कैन नीदर सिंग नॉट डांस, आई कैन नॉट रिसाइट वर्ड्स नॉर प्ले सॉन्ग द पियानो, आई एम नो एक्रोबॉट नॉट हाई किकर, येट आई विश टू गो अपॉन द स्टेज, वॉट शैल आई डू। तो मेरे पास कुछ स्किल नहीं है, मेरे पास डांसिंग स्किल नहीं है, रिसाइटिंग की स्किल नहीं है, पियानो नहीं बजा सकती, किक नहीं कर सकती, ये सब नहीं कर सकती, वो मुझे क्या करना चाहिए। तो वो बोलती है, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हु इज़ अ स्पीकर हियर। तो हियर स्पीकर इज़ अ यंग लेडी हुज नेम इज़ क्लैरिबल सर्ट्स, ओके। वो लेडी जो आ जाके प्रॉब्लम बोलती है, वो स्पीकर थी वहाँ पर। टू होम इज द स्पीकर सेइंग दिस, किसको स्पीकर ही किसको बोल रही है। तो डॉक्टर डोआस को, वो जो केमिस्ट थे, उनको ये सब उसने प्रॉब्लम बोली थी, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर सी है कि हाउ डज द पर्सन हेल्प द स्पीकर, उसने कैसे उसको हेल्प करी। तो उसने 5 पीस दिए उसको बॉन बॉन के, डॉक्टर डियाज गेव हर 5 कलर्ड पीसेस ऑफ बॉन बॉन आफ्टर ईटिंग द दिस द परफॉर्मेंस ऑफ द पर्सन इम्प्रूव ट्रिमेंडसली इन सिंगिंग डांसिंग स्पीकिंग प्लेइंग पियानो एंड कैन ही कैन किक 6 फीट अबव हिज हेड, ओके। नाउ इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी के पार्ट बी का, व्हाई शी इज एन इन्फेंट प्रोडिगी गेस द ऑस्टर्न फादर। तो कौन बोला था जिसका फादर, मतलब जो बेसी के फादर थे, और उन्होंने बोला था हु इज़ द स्पीकर टॉकिंग अबाउट, द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट बेसी, ओके, जो उनकी डॉटर थी। हु व्हाट हैड द इन्फेंट प्रोडिगी डन, उसने क्या किया था। शी वॉज प्लेइंग पियानो ब्रिलियंटली,
आफ्टर ईटिंग द चॉकलेट बॉन बॉन एंड इसका सी पार्ट है वाई वॉज द स्पीकर अस्टॉन्डेड मतलब सरप्राइज क्या होता है वो द स्पीकर वॉज अस्टॉन्डेड बिकॉज ही नेवर सीन बेसी प्लेइंग पियानो सो सुपरबली। तो ये सब जो हुआ था कि दैट चाइल्ड प्रोडिगी इसको बोलते हैं कि मतलब जो टैलेंटेड पर्सन जो होता है जो शुरू से ही मतलब अपने बचपन से ही बहुत अच्छा कर सकता है उसको बोलते हैं इन्फेंट प्रोडिगी। इन्फेंट या चाइल्ड प्रोडिगी भी उसको बोलते हैं जो बचपन से ही किसी के अंदर बहुत टैलेंट होती है। तो उसके फादर बोल रहे थे कि उसके अंदर टैलेंट है बहुत बढ़िया है वो बजा सकती है करके, बट वो इतना बढ़िया बजाए कि ये उसके मदर और फादर ने कभी भी ऐसा सोचा नहीं था। फिर भी उसने उसके इन्फ्लुएंस में जो उसने चॉकलेट बॉनबॉन खाया था उसके इन्फ्लुएंस में उसने बहुत बढ़िया बजाया था। उसके उसके कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन था। ओके नाउ इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आता कि देयर इज़ द मैन हु स्टोल माय बॉनबॉन सीज हिम अरेस्ट हिम डोंट लेट हिम एस्केप। तो ये कॉन्टेक्स्ट जो था जब सेनेटर जो था वहाँ पे चला गया था वहाँ पे मीटिंग में जो फंक्शन हॉल में जो मीटिंग हो रही थी वहाँ गया और पहले उसको लगा कि उसको थ्रॉट थोड़ा ठीक नहीं है तो उसने जो चॉकलेट में जो पॉकेट में हाथ डाला तो चॉकलेट हाथ में आई जो बॉनबॉन हाथ में आया तो उसने सोचा ये इसको थोड़े से थोड़ा थ्रॉट जो है क्लियर हो जाएगा। तो उसने उसको खा ली और जो खाने के बाद में जो उसमें टेम्पटेशन हुई इसको डांस करने की लाइक ए बैलेट डांसर वो स्टार्टेड डांसिंग बैलेट डांसिंग उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और बैलेट डांसिंग स्टार्ट करके देखने के बाद में ये जो लेडी थी जो जिनका नाम है क्लैरिबल सर्ट्स उन्होंने नोटिस किया कि ये क्यों इस तरह का डांस कर रहा है दैट मीन्स और ये बहुत बढ़िया डांस कर रहा है दैट मीन्स पहले कोई पर्सन इस तरह का कहीं पे भी डांस नहीं कर सकता। अगर वो डांस कर रहा था उसने ज़रूर इसको उस जो बॉनबॉन है लेवेंडर पीस वाला उसको उसने खाया है और उसी ने उसको चुराया है इसलिए। तो वो चिल्ला पड़ी कि ये इसने मेरे बॉनबॉन चुराए थे और इसको पकड़ लो इसको अरेस्ट करो और इसको जाने मत देना। तो इस तरह से ये इंसिडेंट जो कॉन्टेक्स्ट आया है उसका इसके बारे में बताया गया है। और ये वो सारा कुछ देखने के बाद में वो इस तरह से बोली कि तो पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ द स्पीकर। ये स्पीकर वही जो यंग लेडी जो थी जिसने डॉक्टर डोवास से ये ऑर्डर किए थे और ये लिए थे बाय मिस्टेक बेसी के पास चले गए वहाँ से इन्होंने सीनेटर ने और इन्होंने खा लिए थे। तो स्पीकर इज़ ए क्लैरिबल सर्ट्स। ओके तो यहाँ पर वो स्पीकर है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका हु इज़ द स्पीकर कॉलिंग ए थीफ एंड वाई। तो इस जो सीनेटर थे उसको वो बोल रही थी थीफ क्योंकि उसको आइडिया हो गया था कि उसको खाने के बाद ही वो इस तरह का डांसिंग बिहेवियर कर रहे थे। स्पीकर इज़ कॉलिंग द सीनेटर ए थीफ बिकॉज शी नो दैट आफ्टर ईटिंग लेवेंडर कलर्ड बॉनबॉन पर्सन गेट्स इमीडिएट टेम्पटेशन फॉर डांसिंग एंड आई डोंट गेट केयर ऑफ ए प्लेस एंड हु इज़ वॉचिंग हिम। कोई केयर नहीं करता आपको खाने के बाद में इतनी टेम्पटेशन होती है तो इसलिए उसको डाउट हो गया था। तो हु हैड द मैन वट हैड द मैन डन दैट मेड द स्पीकर से दीज वर्ड्स द सीनेटर आफ्टर ईटिंग द लेवेंडर बॉनबॉन स्टार्टेड डांसिंग लाइक ए बैलेट डांसर। तो उसने ऐसा इस तरह से किया था इसलिए उसको डाउट हो गया था और इस तरह से बिहेवियर करने लगा था। सो दैट वाज द सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। होप आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर माय दिस वीडियो इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। सो थैंक यू वंस अगेन।